हेलो रिवन, कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे पढ़ाने और मुझे इसको समझने में या समझाने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये वीडियोस मैंने तैयार किया है स्पेशली उन लोगों के लिए जिसे लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेज की जनरेशन को समझने में प्रॉब्लम आती है, वो इस वीडियो की मदद से आसानी से कंप्यूटर लैंग्वेज के टाइप्स को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज की। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? तो कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब एक तरह की भाषा, जैसे एक ह्यूमन या कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात को समझा सकता है, वो जिस भी तरीके का यूज़ करता है उस चीज़ को हम वहाँ पे बोल सकते हैं क्या, भाषा। जैसे मुझे अभी आपको मेरी बात समझानी है तो मैं अपनी आवाज़ का यूज़ कर रहा हूँ, एक भाषा का यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको उस हिंदी भाषा में आपको बोल रहा हूँ, आपको बात समझ आ रही है क्योंकि आपको हिंदी भाषा आ रही है। इसी सीरीज में अगर मैं बोल नहीं पाता तो मैं आपको साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों की भाषा में आपको समझाता हाथों की मदद से। जब भी भाषा की बात हो तो आप इस चीज़ पे थोड़ा ऊपर जाएं कि भाषा हिंदी इंग्लिश उर्दू ना हो, कि भाषा वो माध्यम या वो तरीका जिसकी मदद से आप अपनी बात की दूसरे को समझा रहे हैं। और थोड़ा और ऊपर आएंगे, जरूर नहीं वो ह्यूमंस हो, जानवर भी आपस में बात करते हैं, वो उनकी भाषा होती है। कम्युनिकेशंस के लिए यानी कि आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में इंटरेक्ट करने के लिए जिस भी माध्यम की आवश्यकता हो, जिन तरीकों का यूज़ किया जाए उसको हम भाषा बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ आई होगी। इसी तरह से कंप्यूटर भी एक मशीन है, ये भी, और हम एक इंसान है, हम भी कंप्यूटर, और हमारे बीच में एक भाषा का आदान प्रदान होना जरूरी है। अब हमारी भाषा कंप्यूटर को नहीं आती और अब हमें ये पता नहीं कंप्यूटर की भाषा कौन सी है। तो पहले हमें ये पता करना होगा कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, उसके बाद हम उस भाषा को सीखेंगे और फिर हम कंप्यूटर से बात करेंगे। तो कंप्यूटर की भी एक भाषा होती है, वो भाषा कौन सी है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे 0-1 में, यानी कंप्यूटर की भाषा होती है जो डिजिटली डिजिट्स के रूप में डिफाइन की जाती है। मैं भी आने बता बताने वाला हूँ उसको। तो हमें पहले ये पता हो कि कंप्यूटर की एक भाषा होती है, जैसे हमारी एक भाषा होती है या किसी भी अलग प्रजाति की एक भाषा होती है, उसी तरह से मशीन की भी एक भाषा है। अब कंप्यूटर की कौन कौन सी भाषाएं हैं और कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी आती है? तो सबसे पहली जो लैंग्वेज है कंप्यूटर में उसे हम बोलते हैं यहाँ पे मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज मतलब वो भाषा जो वास्तव में कंप्यूटर की भाषा है या उसे कंप्यूटर के लिए ही बनाए बनाया नहीं गया, एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है मशीनी लैंग्वेज के रूप में। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1, यानी कंप्यूटर की एक ही भाषा है 0 और 1, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी डिजिट्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं। यानी बाइनरी डिजिट 0 1 के रूप में ही कंप्यूटर की लैंग्वेज को दिखाया गया है, दर्शाया गया है या यूज़ किया जाता है। यानी कंप्यूटर की एक ही भाषा में तो 0 1। अब मैं समझाता हूँ 0 1 का मतलब। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन को एक ही भाषा आती है, ऑन या ऑफ की। देखिए, आपके घर में एक फ़ैन होगा तो फैन को या तो आप ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। मैं फैन से आप बात एक ही तरह से कर सकते हैं, स्विच की मदद से, ऑन या ऑफ। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मदद से आप केवल उसको ऑन या ऑफ ही कर सकते हैं, यानी कि आप उसको कंट्रोल केवल ऑन ऑफ करके कर पाएंगे। तो ऑन को यहाँ पे बोला जाता है 1 और ऑफ को बोला जाता है 0, यानी कि आप पावर सप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। मशीन से बस दो ही तरीके से बात कर सकते हैं हम, ऑन और ऑफ के रूप में। कंप्यूटर भी एक मशीन है तो इसको कोड जो भी देना है 0 1 में। हाँ, सर्किट्स की मदद से इन्हीं को ऑन ऑफ की मदद से कोड्स बनाए जाते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। जो काफ़ी कठिन लैंग्वेज है, पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो मशीन लैंग्वेज में ही प्रोग्राम को लिखा जाता था उसमें, और मशीन लैंग्वेज में उसको रीड राइट किया जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो मशीन लैंग्वेज ह्यूमंस के लिए रीडेबल नहीं है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है हमारी लैंग्वेज में, तब जाके हमें समझ आता है। और हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए रीडेबल नहीं है, यानी वो कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि कंप्यूटर की भाषा 0 1 है और हमारी भाषा बाइनरी। अब आप बोलेंगे कि मैं तो कीबोर्ड से अपना नाम लिखता हूँ, कंप्यूटर समझ जाता है, तो आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन आप अभी जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो आप मशीन लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे, आप आपकी भाषा यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को। अब आप बोलेंगे मैं अगर मेरी भाषा यूज़ कर रहा हूँ तो कंप्यूटर को ये भाषा कैसे समझ में आ रही है? कंप्यूटर को तो 0 1 समझ में आता है। तो आप अभी भी सही है, लेकिन इसके अंदर एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी भाषा को कन्वर्ट कर रहा है कंप्यूटर की भाषा में। जी हाँ, हम जो बोल रहे हैं कंप्यूटर की भाषा में, हम जो लिख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सॉफ्टवेयर उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की भाषा में। और कंप्यूटर जो बोलता है या कंप्यूटर जो भी हमें दिखाता है वो कंप्यूटर की भाषा में दिखाता है, जो हमारे लिए समझ से परे है। तो कंप्यूटर के अंदर वही सॉफ्टवेयर उस लैंग्वेज को हमारे लिए फिर से कन्वर्ट करता है। वो कौन कौन से हैं अभी आगे बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज को 3 हिस्सों में बांटा है। तो पहले मैंने अभी आपको बताया मशीन लैंग्वेज, तो 0 1 के रूप में होती है। चूंकि मशीन लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, मैंने अभी समझाया, तो
इसके बाद एक नई लैंग्वेज डेवलप की गई जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, असेंबली लैंग्वेज। जी हाँ, असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी कोड या सिम्बॉलिक लैंग्वेज है जिसकी मदद से कोड्स के समूह बना दिए गए और फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया गया। यानी कि पहले के टाइम पे 0101 में निर्देश देना काफ़ी ज़्यादा कठिन था, तो उसके बाद हम लेके आए असेंबली लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो ये है कलेक्शन ऑफ निमोनिक्स इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। यानी कि आप निमोनिक्स को मिला दीजिए तो उसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, असेंबली लैंग्वेज। आगे एग्जाम्पल देता हूँ मैं। इसके बाद हम अगला लेते हैं, अगला है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जो ह्यूमंस के पास है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोज ह्यूमंस। यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमंस के पास है, ह्यूमन लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाई लेवल लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इनको और भी नामों से पुकारा जाता है। जैसे मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, इसी सीरीज में असेंबली लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल को हाई लेवल ही बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में 3GL भी बोला जाता है। 3GL मतलब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोला जाता है, असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी बोला जाता है, और हाई लेवल को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। इसके बाद हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स में, तो यहाँ पे कोई भी कोड अगर हमें देना है कंप्यूटर में, कोई भी निर्देश दे रहा है, तो हम 1001 1001 यानी कि 1010 के फॉर्मेट्स में दे पाएंगे। अगर हम यहाँ पे आर ए बी या ऐसा कुछ अल्फाबेट्स दें तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, यहाँ केवल जो भी काम करना है 01 में। जबकि असेंबली लैंग्वेज में हम जो भी काम कर रहे हैं उन्हें हम कोड्स के रूप में देना होता है। जैसे कि अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड का कोड दे सकते हैं, इसका निमोनिक्स है ADD, ऐसे MOV ECX, मतलब इसके कुछ सिम्बॉलिक बना रखे हैं आप, इनकी मदद से। ये लो लैंग्वेज की तुलना में थोड़ा सरल है, यानी मशीन लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सरल है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। जबकि हाई लेवल काफ़ी अगर सरल हो जाता है, हम जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं सी लैंग्वेज में, वहाँ पे हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जैसे प्रिंट एफ, एंटर नंबर, ये आपको समझ आ रहा है कि प्रिंट मतलब, एंटर नंबर, सेल मतलब, प्राइज मतलब, तो इस तरह की लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं जो हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। तो ये है लैंग्वेज के बारे में। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मशीन की भाषा मशीन लैंग्वेज है, और हमने बीच में डेवलप कर दिया असेंबली लैंग्वेज, लेकिन असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को कहाँ समझ में आएगी, ADD कंप्यूटर क्या जाने क्या होता है। तो उसे समझाने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया, उस सॉफ्टवेयर को हम बोला जाता है असेंबलर। असेंबलर का काम क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, स्वीट डेफिनेशन। असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा ट्रांसलेटर जो मशीनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीनी लैंग्वेज में। सिंपल सा एग्जाम्पल इसका यही है, सामने 1010 में हमने कंप्यूटर ने कुछ दिया और उसने कन्वर्ट कर दिया असेंबली लैंग्वेज में, जो हमारे द्वारा बनाई गई थोड़ी सरल लैंग्वेज है, तो हमें समझने में आसानी होगी। उसी सीरीज में अगर हमने असेंबली लैंग्वेज में कुछ दिया, कंप्यूटर के असेंबलर में जाएगा, असेंबलर उसको कन्वर्ट करेगा और मशीन को समझा देगा मशीन की भाषा में। यानी एक तरह से दुई भाषा, यानी हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं जैसे हमारे यहाँ पर ट्रांसलेटर, उस तरह से असेंबलर काम कर रहा है। अब असेंबलर तो हो गया, लेकिन अब बात आती है हाई लेवल लैंग्वेज की, कि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम कौन कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए जनरेट किया गया कंपाइलर, कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर एक लाइन बाय लाइन करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए ये क्या करेगा, ये बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, यानी मशीनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज में, और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीनी लैंग्वेज में। यानी कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम कंपाइलर करेगा, और असेंबलर काम करेगा असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज। तो आई होप आपको समझ आया होगा, मैं एक बार शॉर्ट में आपको फिर से समझाता हूँ। कंप्यूटर की लैंग्वेज कंप्यूटर की भाषा होती है, कंप्यूटर मशीन है, और कंप्यूटर की भाषा 01 है। कंप्यूटर की भाषा को तीन हिस्सों में बांटा गया है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज बोलते हैं इसे हम, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज इसे असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इसे हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। मशीन लैंग्वेज हम 0101 के रूप में निर्देश देते थे, फिर हमने एक सरल रूप लेके आया असेंबली लैंग्वेज के रूप में, जहाँ हमने निमोनिक्स का यूज़ किया, उसके बाद हमने इसको और भी सरल किया हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में। अब असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आती थी, तो हमने असेंबलर डेवलप किया जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है असेंबली में। और इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर आया, कंपाइलर इंटरप्रेटर जो क्या करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में और मशीन लैंग्वेज को हाई, दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट तो हमें करना मशीन लैंग्वेज में पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा अभी भी मशीन ही लैंग्वेज है। लेकिन हमारी भाषा दिन रात बदलती रह रही है, हम 4GL में भी आते जा रहे हैं, साइन में हम मोशंस की मदद से भी काम कर रहे हैं, वॉइस इनपुट भी देना शुरू कर दिया हमने, तो हमारी लैंग्वेज की कैटेगरी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी कंप्यूटर की भाषा 01 ही है। हमें जो भी निर्देश कन्वर्ट करने हैं सब 01 में ही करने होंगे।
आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।